സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തൽസമയത്തിലേക്ക് മന്ത്രി ജി നെ അമിത് ഷാ ജി നെ ഭാരത് മാതാ കി ഹത്യ കി ഹൈ മണിപ്പൂർ മേ ഭാരത് കോ ഖതം കർ ദിയ ഹൈ മൈനെ ഐസെ നഹീ ബോല താ ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेथी आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए हमें मेथीज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज दो स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण हैं, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण हैं। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है हिंदुस्तान की सेना उसको दो दिन में रोक सकती है, तीन दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, दो दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं, यह है सच्चाई। अब आप अपने सवाल पूछिए। वुड यू लाइक मी टू से इट इन इंग्लिश? या।